माँ कौशल्या के महल में भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए। माँ कौशल्या ने कहा कि तुमने तो मुझे वचन दिया था मैं बेटा बनकर आऊंगा, तुम तो बाप बनकर आए हो, बेटा बन जाओ। माँ की ममता चाहिए, माँ का प्रेम चाहिए, माँ का दूध चाहिए, और माँ के दूध में ताकत कितनी वो देखना है, तो बेटा बन जाओ। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान छोटे से बच्चे बन गए। रोने की आवाज आई, दास दासियां सब दौड़ कर आए। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के साथ सत्संग कर रहे थे, पता चला कि मेरे घर भगवान बेटा बनकर आए हैं। अपने गुरु को पूछा कि आपने कहा था वही भगवान आए हैं बेटा बनकर, बोले हाँ। तो महाराज नाचने लगे, सब संगीत वालों को बुलाया, बाजे वालों को बुलाया, बोले चलो मेरे घर संगीत बजाओ, बाजा बजाओ, नाचो गाओ, आज मेरे घर भगवान बेटा बनकर आए। सारी अयोध्या में ऐसा आनंद सा गया, 6 महीने तक भगवान के जन्म उत्सव मनाए गया। भगवान भोलेनाथ भी आए कागमुसंडी के साथ लेकर, मगर कोई जाने नहीं दे रहा है। फिर दोनों गुरु चेलो बनकर साधु का रूप लेकर कौशल्या माँ के भवन में आते। जो दरवाजे पर आवे तो लोग धक्का लगा दे, फिर लाइन में लग जाए। फिर भोले बाबा ने भगवान को प्रार्थना किया, राम जिनका नाम है, कौशल्या जिनकी माता, राम जिनका नाम है, कौशल्या जिनकी माता, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, राम जिनका नाम है, दशरथ जिनका पिता, राम जिनका नाम है, दशरथ जिनका पिता, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। भगवान को पुकारा है, प्रभु कैलाश छोड़कर आपके दर्शन के लिए आए हैं, लाइन में खड़े हैं 3 घंटे तक लाइन में, आते आते आपके दरवाजे तक पहुंचते लोग वापस धक्का में लगा देते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करो कि हम आपका दर्शन कर सके। तो भगवान जान गए, क्योंकि हरि और हर एक है, राम और शिव में कोई फर्क नहीं। राम माने हरि, शिव माने हर, दोनों एक ही है। हर ने हरि को पुकारा, हरि समझ गई। बालक रूप में भगवान राम ने ऐसा रोना शुरू किया कि किसी से रोना बंद नहीं हुआ, सारे लोग घबरा गए। माँ कौशल्या ने अपने सखियों को कहा, दासियों को कहा, जाओ कोई ऐसा संत मिल जाए तो उसको मेरे घर ले आओ। और उस सखिया ढूंढने ढूंढे गई तो भगवान शंकर सरयू नदी किनारे बैठे थे कागभूषण के साथ। दासियों ने कहा, बाबा किसी का बेटा रोता हो, किसी को नजर लगी हो, कोई जादू टोना हुआ तो आप जानते हैं कुछ? भगवान ने कहा, वो हमारा धंधा यही है, कोई बच्चे को कुछ हो जाए तो हम ठीक करना जानते हैं। भगवान भोलेनाथ को कागमुसंडी को लेकर आए। कौशल्या माँ ने प्रणाम किया, माँ ने पूछा कि आप कुछ जानते हो, कोई बच्चे को कुछ हो जाया हो तो? भगवान ने कहा, बोले तो मेरा बेटा कब से रो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, आप कुछ करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, माँ एक बार मेरी गोद में दे देने, मैं जिंदगी में कभी रोए नहीं, ऐसा कर दो। आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार, राम जी का दीदार करने आया तेरे द्वार,
राम जी का दीदार करने आया तेरे द्वार। अंग विभूति गले रूंह माला डम 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 रूप जाने वाला। अंग विभूति गले रूंह माला डम 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 रूप जाने वाला। गले में सरपों का है हार, गले में सर पुकार है हार। राम जी का दीदार करने आया तेरे बात, रे हरि का दीदार करने आया तेरे बात। आया तेरे बार मैया, आया तेरे बार, आया तेरे बार मैया, आया तेरे बार। राम जी का दीदार करने आया तेरे बार, राम जी का दीदार करने आया तेरे बार। ओ भिक्षा लेके कौशल्या जी आए, जोगी को देख करी जी घबराए। भिक्षा लेकर कौशल्या जी आए, जोगी को देख घबराए। जोगी मेरो डर जाए गो राम, जोगी मेरो डर जाए गो राम। कन्हैया का दीदार करने आया तेरे द्वार, राम जी का दीदार करने आया तेरे द्वार। आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार। राम जी का दीदार करने आया तेरे द्वार, राम जी का दीदार करने आया तेरे द्वार। भिक्षा कामी करके बहाना, ये राम को तूने नहीं पहचाना। भिक्षा कामी करके बहाना, ये राम जी को तूने नहीं पहचाना। मैया तू है भोली बड़ी भान, मैया भोली बड़ी भगवान। राम जी का दीदार करने आया तेरे द्वार, राम जी का आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार, आया तेरे द्वार मैया, आया तेरे द्वार। राम जी का दीदार करने आया तेरे द्वार, राम जी का दीदार करने आया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भगवान शिव ने भगवान राम को अपनी गोद में लिया, भगवान ने रोना बंद किया। भगवती माँ कौशल्या देवी बहुत खुश हुई, भोलेनाथ को बताया मेरे बच्चे की रेखा देखिए, बड़ा होकर हमारा नाम करेगा, बड़ा होकर के हमारा कुल का राजा बनेगा, ये बड़ा होकर क्या करेगा। अगर कोई ज्योतिष अच्छा जानने वाला हो ना तो कहते हैं जन्म मरण तक तक बता देता है, मगर कोई जानने वाला हो, ज्योतिष अद्भुत है। मगर आजकल भगवान जाने लोग डराना सीख गए हैं, बताना भूल गए। भागवत में परीक्षित का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा बेटा होनहार होगा, राम जैसा धीर होगा, कृष्ण जैसा चालाक होगा, शंकर जैसा ज्ञानी होगा, समुद्र जैसा महान और गंगा जैसा पवित्र होगा। चार बेटे का बाप बनेगा, 60 साल की उम्र में जंगल में जाएगा, एक संत के गले में मरा हुआ सांप पहना देगा और 7वें दिन उसको तक्षक नाम का सांप काटेगा और बेम मौत मरेगा। बता दिया, जानने वाला होना चाहिए। कहते हैं जहां तक हो जल्दी अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। आज के जमाने में मनाए है, थोड़ा दुख तकलीफ पड़े तो उठा ले, जहां तक दिखाओ मत, क्योंकि जानने वाले सबले चले गए। अब पुस्तकें पढ़ के आपको दिखा रहे, आप लगे रहे,
क्योंकि उस ज्योतिष जानने वाला त्रिकाल दर्शी वाला ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, 4 बजे उठकर गायत्री उपासना करता है, तभी वो ज्योतिष का जानकार होता है। ज्योतिष माने भविष्य, ज्योतिष अद्भुत है, जानने वाला चाहिए। हमारे गुजरात में एक आदमी जो भी काम करता था उल्टा ही होता था, तो एक ज्योतिष के पास गया, क्या महाराज हमको कुछ देखो ना यार, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ, जो भी करता हूं सीधाई होता ही नहीं, नुकसान ही हो रहा है। उसने बोला भाई बता तो देखता हूं, मगर 5100 लगेगा, 5100। वो बोलता है 5100 होता तो मैं बंबई नहीं जाता, तुम्हारे पास काय को आता। बोले काय बात नहीं, 2000 देना, 5 में से 2 आया। वो बोलते 2000 भी नहीं दे सकता। बोले 1500 देना, बोले 1500 भी नहीं दे, बोले 500 देना, बोले 500 भी नहीं दे सकता। अब 5000 से जो 500 में तुम्हारा ज्योतिष देखे वो क्या होगा। ज्योतिष अद्भुत है, मगर जानने वाला चाहिए, नहीं तो वो अपना घर भरेगा, तुम तो जैसे के तैसे रहोगे। ठीक है, 1000 में 1-2 का काम हो जाए, बाकी जानने वाला होगा वो जल्दी लेगा नहीं आपसे, क्योंकि भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, देवताओं को जो पूछते हो देवता होते हैं, देव जैसे बनते हैं, अच्छे घर में जन्मते हैं। भूत प्रेत को पूछते हैं, मैली विद्या करते हैं, जादू टोना करते हैं, मरने के बाद प्रेत होते हैं, ऐसा गीता में लिखा पढ़ना। और जो तांत्रिक होते हैं उसके चेहरे भी भयंकर हो जाते हैं, जो तांत्रिक पूजा करता होगा देखना उसका चेहरा डरावना होगा, जितने भी तांत्रिक। ये कृष्ण का शब्द है, मेरा नहीं। और जो ज्योतिष होगा, अगर वो अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए करता है तो अपना घर अपना मकान अपना जमीन जागीर करेगा, सामने का नहीं हुआ तो उसकी तीसरी पीढ़ी में सब पागल होते हैं। ये हनुमान जी का कहना है, हनुमान साधना करोगे तो आएगा। इसलिए ज्योतिष अद्भुत है। उस आदमी ने कहा 500 रुपया नहीं है तो खड़ा हो गया। बोले फिर तो मौज कर, पैसे वाले को शनि नड़ता, तेरे को नहीं, तेरे पास कुछ है नहीं तो शनि तुझे क्या नड़ेगा, तू शनि को परेशान नहीं करना। वो बोलता है महाराज मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है और आपको मैं देश नहीं सकता हूं, इसलिए आप ऐसे ही बता रहे हो, ऐसा नहीं कुछ बताओ। जब उसने पीछा नहीं छोड़ा तो उस ज्योतिष ने कहा एक काम करो, तुम्हें शनि परेशान करता है तो सोने के अंगूठे में शनि डाल के पहनो, शनि का नंग नीलम। उसने बोला ठीक है। फिर 2 महीने के बाद उस ज्योतिष को मिला तो उसने कहा क्यों भाई अब शनि परेशान करता है। वो बोला शनि परेशान करता तो अच्छा था, अब सोनी परेशान करता है। शनि तो ठीक था, मांगता तो नहीं था, अब सोनी रोज हर दिन घर आता है, सोनी कम से कम उग्रानी तो नहीं करता था, अब शनि नहीं परेशान करता, सोनी परेशान करता है, क्योंकि उधार लिया है। हरिद्वार आपने देखा होगा, पुल पर लोग चिड़िया को तोते को लोग बैठते हैं, आप जैसे उसकी बातों में आ जाते हैं, उठाते हैं और वो तोते को थोड़ा सी कनक दिखा देते हैं, खाना दिखा देते, बेचारा बाहर आता है और इतने लिफाफे पड़े होते हैं, एक आधा लिफाफा उठाता है फिर पिंजरे में चला जाता है और वो लिफाफा आप पढ़ते हैं आपका भाग्य होता है। एक दिन बारिश का टाइम था, कोई नहीं आया तो आपस में सब ज्योतिष बैठे होते हैं, वो बोलने लगे अरे यार दुनिया का ज्योत देखते हैं, दुनिया का ज्योतिष देखते, आज अपना देखते चलो। सब ने विचार किया तो एक आदमी ने, एक ज्योतिष ने बोला तुम पहले अपना दिखो। उसने जरा सा चिड़िया को अनाज डाला, वो बाहर आई, सारे लिफाफे पड़े थे, एक लिफाफा उठाया और फिर अपने पिंजरे में चली गई। वो नाचने लगा कि दुनिया का ज्योतिष देगा, दुनिया लोग आते हैं आज हमारा देखते हैं। और उसने जीवन लिफाफा खोल के पढ़ा तो लिखा था मेहरबानी कर तू नया धंधा कर और मुझे यहां से निकाल कर। वो ज्योतिष क्या काम था, ज्योतिष किसको बोलते हैं, भगवान शिव कहते हैं, राम का ज्योतिष देखते हैं। माँ ये बड़ा होकर तेरा नाम करेगा, देखो अभी तो 6 दिन का बच्चा है और ज्योतिष बोल रहा है कि ये बड़ा होकर दुनिया में तेरा नाम करेगा। आज भी किसी को पूछो राम किसके बच्चे, कौशल्यानंदन दशरथ नंदन कोई नहीं बोलेगा। उस भगवान शिव ज्योतिष बनकर आए तो बताया कि तेरा बेटा बड़ा होकर तेरा नाम रोशन करेगा और दुनिया में उसके मंदिर बांधेंगे, दुनिया में उसके मंदिर बनेंगे, दुनिया उसको पूजेगी।
16 साल की उम्र होगी, एक महात्मा आएगा उसको ले जाएगा। तो कौशल्या मैं कहने लगी, बाबा ऐसा नहीं, तुमको और धन चाहिए तो लो, मेरे ऐसा ऐसा मत बोलो। अरे माँ सुन तो सही, एक महात्मा ले जाएगा और एक सुंदर कन्या को विवाह करके आएगा। कौशल्या नाचने लगी, बोले तो ठीक है, जैसा शिव जी ने देखा ऐसा ही हुआ। तो ज्योतिष अद्भुत है, मगर कोई जानने वाला चाहिए, जानने वाला नहीं। ज्योतिष माने त्रिकाल, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। ज्योतिष आचार्य बहुत संयमी होता है, नियमी होता है, प्रेमी होता है, वो अपना उल्लू सीधा नहीं करेगा। आज सबने पता नहीं शास्त्रों की मजाक करने लग गए लोग। आपको कोई तकलीफ है तो शिप्रागिरी की निंदा करो, रामायण की नहीं, क्योंकि शास्त्र शाश्वत है। मेरी निंदा करो मगर शास्त्रों की नहीं। आज लोग शास्त्र को अपना धंधा बना दिया, नहीं तो शास्त्र हमारा जीवन है। रामायण तो जीना सिखाती है, मरना सिखाती है, रामायण चलना सिखाती है, रामायण खाना सिखाती है, रामायण पीना सिखाती है, रामायण अपना ऐसे जीवन से चलना सिखाती है, रामायण उसका नाम है। कल का पेपर आप पढ़ोगे तो कहोगे पुराना हो गया, रामायण तो दिने दिने नवम नवम, युगो बीत गया, अभी तक कोई सुनते हुए बोर नहीं हुए, क्योंकि राम स्वयं भगवान का रूप है। महादेव ने राम का ज्योतिष जोया।